हेलो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है चंद्रमा और धरती के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जो भी चंद्रमा और धरती की महत्वपूर्ण जानकारी है, जिन पर किस खास करके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे कि सीटेट है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ये आप समझ लीजिए कि आपके 2 नंबर तो कन्फर्म हो जाएंगे अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, चंद्रमा को अपनी धुरी पर चक्कर लगाने और धरती के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना वक्त लगता है? आपने ये ध्यान रखना कि चंद्रमा को अपनी धुरी पर भी चक्कर लगाने में और धरती के भी चारों तरफ चक्कर लगाने में एक ही टाइम लगता है। एक ही चक्कर राउंड में वो अपना भी राउंड कवर कर लेता है और धरती के भी चारों ओर रिवॉल्व हो जाता है। तो इसमें इसका सही आंसर होगा लगभग 27 घंटे 7 मिनट। नेक्स्ट है, चंद्रमा का आकार धरती के आकार के कितने भाग के बराबर है? वैसे चंद्रमा हमें सूरज से भी बड़ा लगता है या सूरज के बराबर का लगता है कभी, क्योंकि चंद्रमा बहुत ज़्यादा नज़दीक है धरती के बाकी कंपैरेटिवली बाकी जितने भी हेवनली बॉडीज हैं। तो उसका जो आकार है वो धरती के तकरीबन 1/4 भाग के, फोर्थ भाग के बराबर है। चंद्रमा से चौथा हिस्सा ही है धरती, धरती से चौथा हिस्सा ही है चंद्रमा। नेक्स्ट इज, चंद्रमा और धरती के बीच की दूरी कितनी है? राइट आंसर इज लगभग 384,400 किलोमीटर्स। ये क्वेश्चन भी 3 या 4 बार एग्जाम से पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आप सिंपल है, 384,400 किलोमीटर ऐसे भी याद कर लीजिए तो ये बड़ी इजीली याद हो जाता है। नेक्स्ट इज, चंद्रमा की रोशनी को धरती पर पहुंचने में कितना वक्त लगता है? राइट आंसर इज 1.3 सेकेंड्स। चंद्रमा की रोशनी को लगते हैं 1.3 सेकेंड्स और सूर्य की रोशनी को लगते हैं तकरीबन 8 सेकेंड्स लगते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट इज, चंद्रमा किस गति से धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है? उसकी रोटेशन और रेवोल्यूशन जो सेम टाइम है उसकी स्पीड क्या है? दैट इज 3700 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट प्रश्न है, धरती की सतह से चंद्रमा का कितना हिस्सा दिखाई देता है? राइट आंसर इज 59%। नेक्स्ट इज, दिन के समय चंद्रमा का तापमान कितना होता है? आंसर इज 100 डिग्री। नेक्स्ट इज, क्या चंद्रमा सच में घटता या बढ़ता है? राइट आंसर इज कभी नहीं, क्योंकि जो हमें अंधेरा आधा दिखाई देता है कभी पूरा दिखाई देता है, तो वो सिर्फ उसकी रोशनी की वजह से दिखाई देता है। जो सूरज की रोशनी चंद्रमा पर पड़ती है और जितना हिस्सा चमकता है हमें वो सिर्फ उतना ही दिखाई देता है, जिस जितने हिस्से पर रोशनी पड़ती है, जो बाकी बैक साइड होती है वो हमें दिखाई नहीं देती। इस वजह से चंद्रमा हमें लगता है कि घटता है या बढ़ता है, जबकि ऐसा नहीं है। नेक्स्ट इज, सुपर मून किसे कहते हैं? आंसर इज, जिस पूर्णिमा को चंद्रमा धरती के सबसे नज़दीक होता है उस रात को जो चंद्रमा होता है उसको सुपर मून कहते हैं। नेक्स्ट इज, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण धरती के गुरुत्वाकर्षण के कितने भाग के बराबर है? राइट आंसर इज 1/6 भाग के। जो ये क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 3-4 बार पूछा गया है, सीटेट में भी आया था, मास्टर कैडर के एग्जाम में भी आया था। जो बच्चे पीएस टेट की तैयारी करते हैं, पंजाब स्टेट टेट की, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था पहले, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ के लर्न करना है। नेक्स्ट इज, सेलेनोलॉजी किसे कहते हैं? आंसर इज चंद्रमा के अध्ययन को, स्टडी ऑफ मून इज कॉल्ड सेलेनोलॉजी। नेक्स्ट इज, एक महीने में दो पूर्णिमा आने पर दूसरी पूर्णिमा को क्या कहते हैं? ब्लू मून इसका राइट आंसर है, ब्लू मून। वैसे तो ये कभी होती नहीं है घटना, क्योंकि ये अनहैपन जो सिचुएशंस होती हैं उनके लिए हमें यूज करते हैं ये टर्म ब्लू मून। ये थे दोस्तों चंद्रमा के बारे में हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम करेंगे धरती के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, किस दिन सूरज और धरती के बीच की दूरी सबसे कम होती है? राइट आंसर इज 3 जनवरी। नेक्स्ट इज, जिस दिन सूरज और धरती के बीच की दूरी सबसे कम होती है उस दिन धरती होती है? आंसर इज भूसमीपक, पैरिजी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और भूसमीपक कंडीशन में होती है धरती, जब धरती और सूर्य की दूरी सबसे कम होती है। नेक्स्ट इज, सौर मंडल में आकार के आधार पर धरती का कौन सा स्थान है? आंसर इज 5वां। नेक्स्ट इज, सूरज से निकटता के आधार पर सौर मंडल में धरती का कौन सा स्थान है? आंसर इज 3रा। नेक्स्ट इज, विषुव समीकरण
यानी कि इक्विनॉक्स धरती पर कब बनता है? राइट आंसर इज जब सूरज की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। नेक्स्ट इज धरती पर विषुव समीकरण साल में कितनी बार बनता है? राइट आंसर इज 2 बार। नेक्स्ट इज किस दिन सूरज और धरती के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है? राइट आंसर इज 4 जुलाई। नेक्स्ट इज चंद्रमा की सतह से कितनी धरती दिखाई देती है? आंसर इज 59% लगभग। आपने ये ध्यान रखना कि चंद्रमा की सतह से भी 59% धरती दिखाई देती है और धरती की सतह से चंद्रमा भी 59% ही दिखाई देता है। नेक्स्ट इज किस ग्रह को धरती का जुड़वा कहा जाता है? मतलब कौन सा ग्रह धरती के आकार के बराबर ही है लगभग? तो इसका राइट आंसर है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट इज धरती को यह भी कहा जाता है? आंसर इज नीला ग्रह। नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि धरती पर ही पानी मौजूद है और स्पेस से धरती पानी की वजह से नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट इज धरती और सूरज के बीच की दूरी कितनी है? राइट आंसर इज 15 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट इज धरती की अपनी धुरी पर घूमने की गति सबसे अधिक किस समय होती है? तो इसका राइट आंसर होगा यह है कभी नहीं बदलती। इसकी सेम स्पीड होती है धरती की ऑल ओवर द टाइम और सेम स्पीड पे ही चलती है, ना मॉर्निंग में, ना इवनिंग, ना रात, ना सुबह, कोई भी टाइम ये चेंज नहीं करती, एक ही स्पीड से चलती है। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।